अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं कुछ नया डेजर्ट बना रही हूँ। ये डेजर्ट कोको पाउडर से मैंने स्टार्ट लेना है। दूध है, पाइनएप्पल है, टी केक है, शुगर, क्रीम और कॉर्नफ्लोर। ये रेसिपी मैं कई दफ़ा बना चुकी हूँ, मेहमानों को बहुत पसंद आती है। घर में जब भी गेस्ट आते हैं तो मैं बनाती हूँ तो बड़ी लाइक करते हैं। केक को मैंने स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। इसको हम ये इस तरह से ये बेस बना देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया। अब मैं इस पे ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस को ना ये डाल, ये मैंने टिन पाइनएप्पल लिया, आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन ये बड़े मजे का बनता है मीठा। इस तरह से आप ये डालेंगे, इसमें कम शुगर जाती है और ये बड़ा अच्छा सा डेजर्ट आपका बन जाएगा। इस तरह से हम पाइनएप्पल को स्प्रेड कर देंगे इस पर। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, लेकिन इसको हमने रूम टेम्परेचर तक पे ठंडा कर लेना है। इसको गरम गरम इसमें कोको पाउडर कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, वरना लम्स पड़ जाएंगे इसमें। ये ठंडे दूध में मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया और कोको पाउडर को भी घोल लिया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें डालेंगे ताकि ये लम्स ना हो सके। ये अमूमन बच्चों को बड़ा पसंद आता है, ये चॉकलेट टाइप का हो जाता है। अब थोड़ी सी क्रीम भी इसमें ऐड करेंगे, ये बच्चों को बड़ा पसंद आता है। ये चॉकलेट बन जाता है ना तो ये बड़ा उनको अट्रैक्ट करता है, बड़े मजे का लगता है उनको। अब ये सारी चीजें जब मैंने ऐड की थी तो दूध को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, लेकिन फिर जब मैंने ये जब मुझे गाढ़ा करना था तो मैंने फ्लेम को तेज किया। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देख कितने मजे का ये गाढ़ा हो गया। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा है, ये देखें कितना अच्छा ये बना है ना, ये देखें कितनी अच्छा मिक्स हुआ सारा। आइए इसमें ना मजीद अब जो उसकी टॉपिंग है वो हम शुरू करते हैं। मैं इस पर कुछ आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम मैंने ली थी, ये मैं इस पर इसके ऊपर टॉपिंग कर रही हूँ। पहले मैंने एक टी केक रखा है, पाइनएप्पल डाला है, पाइनएप्पल सीरप भी डाला है। ये देखिए इस तरह से, ये बच्चों को इतना पसंद आता है, इतना अच्छा बनता है, इतना मजे का होता है। आप खाएंगे तो आपके मेहमान भी आपकी तारीफ करेंगे। आप लाइक कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मुझे कमेंट्स दे दीजिएगा। बड़े मजे का मीठा बनता है। इसके ये ठंडा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इसकी भाप निकल जाए ना, फिर इसको हम इस पर स्प्रेड कर देंगे और बड़े मजे का। फिर मैं इसको डेकोरेट करूंगी। अब देखिए ये देखिए, अब इसको हम 15 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे। ये मेरे पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स है, मैं इसकी भी डेकोरेशन कर दूंगी। ये देखेंगे इस तरह से, क्रीम इस ऊपर से हम डेकोरेशन के लिए। मेरे पास मिलता है क्रीम की,
Thank you.